सब बहुत प्यारे लग रहे हैं एज यूजुअल. ग्लोरी टू गॉड, वी गिव प्रेज एंड ऑनर टू आवर लिविंग गॉड. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच रेवरेंड कैमरन पीटर, मिसेस समीना, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जो आप हमें हमेशा देते हैं ऑन दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री, where jahan par hamari you know all prayers are being heard and God is being so good and merciful to all of us, not just to one but to all of us. So main hamesha jab bhi yahan par aati hu main hamesha yahi kehti hu ki this is the solution ground, this is where you're meant to be, and that is why you're here. Because I want to tell you about Glory Prayer Ministry. If you were not meant to be here, trust me, you wouldn't be. So praise God that you are here and you are blessed, and our God is ready to bless you even more. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So the topic that I want to share with you all today is ye topic mere husband, my husband Rohan ko mila tha, and it's called situation. And it's been almost 2-3 weeks that Rohan was like, God is speaking to me, situation, situation, situation. और सिचुएशन को उर्दू में मुझे रोहन ने बताया, इट्स कॉल्ड हालात, हालात। और इसके ऊपर मैं एक छोटी सी खूबसूरत एक गीत है और मैं वो छोटा सा गीत गाना चाहूंगा। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यसु तेरे आने से, यसु तेरे आने से, यसु तेरे आने से, यसु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से मौजज़ात भी हो जाते हैं, मौजज़ात भी हो जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, क्या मैं सच कह रहा हूँ, हाथ लगा के बताएं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। याद रखिएगा, रेवरेंड कैमरन पीटर, मिसेस समीना, पास्टर हारून एंजल, भाभी शगुफ्ता, हारून एंजल, भाई सुनील, जोशुआ, मिसेस साइमा, सुनील, जोशवा, या कैजिया, या जो भी हो, हम सब जरिया हैं खुदा के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए। पर मौजज़ात मेरा यीशु ही कर सकता है, वो हालात बदल देता है। आज मैं और क्रिस्टीना मिलकर एक ब्रिज बन सकते हैं, हम आपके लिए ब्रिज बन सकते हैं ताकि आपके हालात बदल जाएं, पर उस ब्रिज के उस कॉर्नर पर जहाँ पे यीशु है वहां आपने जाना है ताकि आपके भी हालात बदल जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सो आप सब समझ गए होंगे, आज हम हालात तब्दील करने के लिए यहाँ पर आपके साथ बात करने को हैं। एंड प्रेज द लॉर्ड, वाकई हालात बदल जाते हैं यीशु के आ जाने से, हालात बदल जाते हैं हमारे यीशु के लोगों के साथ मिलके बैठ के दुआ करने से, हालात बदल जाते हैं जब वाकई यीशु आ जाता है, मौजज़ात हो जाते हैं जहाँ पे यीशु आ जाता है। एंड प्रेज द लॉर्ड, आज खुदावंद खुदा हमें, वी आर द फर्स्ट जीसस दैट पीपल मीट। और मैं हमेशा बताती हूँ कि आप और मैं एक्चुअली फर्स्ट जीसस हैं जो लोग मिलते हैं जिनसे। द रीजन आई से दैट इज बिकॉज हम अब खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अर्थ। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ को जीते हैं, जब हम तौबा करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो वी आर जीसस क्राइस्ट ऑन अर्थ। That you know, we go out to people and लोग हमें देख के कहते हैं कि वाकई you know it felt like कि जैसे Jesus ही आ गया था। जैसे कि पालूस कहता है कि follow me because I follow the example of Jesus Christ। मुझको मेरे पीछे चले आओ क्योंकि मैं मसीह यीशु के मिसाल को मैं उस पर चलता हूँ। वैसे ही आज हम पलूस हैं, आज हम कुछ लोगों के लिए यीशु हैं। वहाँ हम वो देख कर कहते हैं इससे मैं दुआ करवाऊं या इसके साथ मिलके दुआ करवाऊं करूं क्योंकि ये खुदा का बंदा या बंदी है जो मुझे मसीह यीशु से कनेक्ट करता है।
praise the Lord, hallelujah. The ground is already ready. Thank you, my very blessed brother Sunil, jo already, you know, apni prastish se us ground ko ready kar dete hain ki that's it, now it is time to receive. And if you are clever, my brothers and sisters, then time is already here to receive. Jo bhi hai, you know, that's why my brother, my pastor Harun always says, if you are clever, and if you are, I want to tell you, waqi, agar aap clever hain, to aaj aap kalam ki ek ek baat ko apni zindagi mein receive kar sakte hain, aur us miracle ko activate kar sakte hain apni life mein. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Aapko pata hai ki hum log different situations se, different halaat se, scenarios se apni life mein guzarte hain. I believe jaise hi hum subah uthte hain aur ek nayi situation hamare samne khadi ho jati hai. रोज ही हम कुछ ना कुछ चीजों के साथ डील कर रहे होते हैं. कभी जो है हमारी हेल्थ हमें परेशान करना शुरू हो जाती है, कभी हमारे बिजनेस नहीं अच्छे से चल रहे होते हैं, कभी हम कहते हैं कि मैं स्टडी करने चाहती हूँ और मेरी स्टडी के रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे, और कभी मतलब डिफरेंट हर किस्म के हालात हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम इन हालातों में क्या करें. कभी कभी ऐसे हालात हमारे सामने आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि what kind of situation is this? Oh, baby's crying. Sorry. Hallelujah, because our baby's crying and we've just heard it. So my husband's going to go get the baby. Hallelujah. So hamari situation, is tarike se we feel stuck in our situations. And I'm sure ki jo sab aaj hamare sath connected hain, aapko kuch na kuch aisa याद होगा अपनी लाइफ में, जो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई होगी कि यू वर लॉस्ट एंड आपने यू फेल्ट होपलेस, और आपने सोचा होगा कि मैं इस हालात से, इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, या कैसे मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं नजर आता इन हालात से निकलने का. और हम एज अ बिलीवर बहुत सारे ऐसे हालातों से, ऐसी सिचुएशन से अपनी लाइफ में से गुजरते हैं जहां पर हमें लगता है कि ये तो डेड एंड है, देयर इज नो वे आउट. हम ऐसे हालातों में, ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं. आई लाइक टू शेयर जस्ट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स विद यू. जैसे कोई बीमारी है, बहुत से लोग हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं. दिस यू नो, ऐसी बीमारियां जैसे लाइलाज बीमारियां, कैंसर और यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ सिकनेसेस, हेल्थ कंडीशंस आप कैरी करके अपनी लाइफ में, यू नो, कहते हैं कि एक दफा डायबिटीज हो जाए तो उससे आप हील नहीं हो सकते, कैंसर का इलाज नहीं है, यू नो दुनिया के लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं दैट वी कांट ट्रीट सच काइंड ऑफ सिकनेसेस, सच काइंड ऑफ हेल्थ कंडीशंस, वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट. और हम बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं और वो पर हम आई मीन वी ऑल बीन थ्रू एनी सम काइंड ऑफ सिचुएशन इन आवर लाइफ, जब आप सोचते हैं कि मैं इस हालात से कैसे निकलूंगी, या मुझे तो कोई इसमें रास्ता ही नहीं नजर आता कि कुछ ऐसे मेरे हालात तब्दील भी हो सकते हैं. रिलेशनशिप्स में अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर बिकॉज आई डील इन अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप, मैं बहुत सारी औरतों के साथ डील करती हूँ, तो वो कहते हैं नहीं, मेरा हस्बैंड तब्दील नहीं हो सकता, या हस्बैंड कहते हैं ये नहीं, मेरी वाइफ नहीं कभी तब्दील हो सकती, देयर इज नो वे कि ये चेंज हो जाए. यू नो, इतने बड़े बड़े दावे लोग करते हैं दैट ये बीमारी नहीं, इस बीमारी से तो मैंने शायद मेरी जिंदगी भर का ही अब रिश्ता जुड़ गया है, तो मैं कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकूंगा या पा सकूंगी, या मेरा हस्बैंड ऐसा ही है, वो अल्कोहलिक है या ड्रगी है, या बहुत से लोगों के अब्यूसिव पार्टनर्स होते हैं, मारने वाले पार्टनर्स होते हैं, या ऐसे हालातों में बिचारी औरतें या रिलेशनशिप में फंसे होते हैं कि शैतान ने इतना कब्जा किया होता है और उनको समझ नहीं आती कि मैं इस सिचुएशन से, इस हालात से कैसे निकलूंगी, या मेरा हस्बैंड कभी चेंज भी होगा या नहीं होगा. या घर में ऐसे हालात हो जाते हैं कि बहू में और सास में तकरार हो जाती हैं, या बेटे में, भाइयों में आपस में इतने इख्तलाफात हो जाते हैं, या बाप और बच्चों में नहीं बन पा रही होती, या घर के अपनी फैमिली सबसे पहले आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं. ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि ना जाने मैं किधर जाऊं, और आप ऐसा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं जो रास्ता आपके लिए था ही नहीं, जिसके अंदर से आपका बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है. A lot of the time ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि मेरा ये बेटा नहीं तब्दील हो सकता, या मेरी ये बेटी नहीं तब्दील हो सकती, ये तो बस ऐसी ही है, इसने नहीं चेंज होना. एंड आई वांट टू टेल यू दैट आई एम वन ऑफ द एग्जांपल्स कि मेरे माँ बाप ने भी कभी ऐसा सोचा था कि शायद हमारी बेटी नहीं तब्दील हो सकती. मुझे लोग जानते थे एज अ क्रिस्टीना, पार्टी वाली लड़की जो क्रिस्टीना है उसके नाम से मुझे जानते थे, लेकिन अब जो लोग मुझे देखते हैं बोलते हैं हमें यकीन नहीं आता कि वही क्रिस्टीना है.
तो ऐसी हालात सिचुएशन आपकी जिंदगियों में आ जाती हैं कि आपको समझ नहीं आता, और आपके पेरेंट्स को या आपके बहन भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि बस ऐसी सिचुएशन में मैं फंसी हूँ, ऐसी सिचुएशन में मैं फंसा हूँ, ऐसे हालातों में मैं फंसा हूँ कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, या मेरे बेटे का, मेरी बेटी का कुछ नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड का, मेरे वाइफ का कुछ नहीं हो सकता। बहुत दफा हमारे ऐसे हालात होते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। Am I right or wrong? Praise the Lord. अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कोई चीज घूम जाती है और हम कहते हैं कोई चोरी करके ला गया, होते मैंने वो चीज नहीं मिलेगी, मेरी चीज चोरी हो गई है, चोर उठा के ले गया है, वो चीज मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अब तो वो जब चोर ले जाता है तो चोर वापस तो नहीं आके देके जाता। But I have a good news. Hallelujah. Who is ready for the good news? Wave your hands. अपने हाथों को हिलाए जो good news के लिए ready हैं। हालात बदल जाते हैं यसु तेरे आने से। Praise the Lord. Amen. दोबारा हाथ हिलाएं यसु के लिए। जो जो कैमरा बंद करके बैठे हैं वो भी हाथ हिलाएं। आज हमारा यसु जो यहाँ पे मौजूद है आपके हालात तब्दील कर देने वाला है। Are you ready, church? Shout hallelujah. कहें yes sir. Are you ready, church? Very good. Hallelujah. मैं बहुत सारे हाथ फिरते देख रही हूँ, and sister Shugupta just gave me a thumbs up, and sister Dimple is waving her hand. Hallelujah. Parul is waving her hand. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sister Eva is waving her hand. Hallelujah. Thank you Jesus. Sister Noreen. Oh, you are all, and Sunana, hallelujah. Sister Trofina, praise the Lord, hallelujah. You are Neha and family, praise the Lord. Rimasha Karara, what's this one? I did Nishit Christy, Christy Mansur, brother Christy, hallelujah. Praise the Lord. God is about to do something so big and so miraculous. Sister Aster Violet, hallelujah. Sister Trofina, praise the Lord. Thank you, Jesus, for your people, because today is the day jab halaat badal jayenge, Yesu ke aa jaane se moazzat ho jayenge, Yesu ke chhu lene se, hallelujah. Because main aapko batana chahti hu ki good news is that my Jesus can do everything for Amen. You. आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 19। यशाया नबी के ज़हीफ़ा उसमें से चैप्टर chapter 43 उसकी 19 आयत। यशाया मेरे साथ सब ये निकाल लें, बट पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब, I'm gonna give you all 2 minutes, actually 1 minute, because I'm sure हमारे हालात, I'm sure हम सब किसी ऐसे हालातों से जरूर गुजरे हैं हमारी जिंदगी में जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आती थी कि हम कैसे निकलेंगे। मेरे बहुत सारे ब्रदर्स, you know, हमारे लीडर्स में से, and even in my life, मैं ऐसी situations याद कर सकती हूँ जिसमें हमें लगता था कि oh, I don't know, how am I gonna survive through that? Can we all take 1 minute और अपने उन हालात को, situation को याद करें? क्या आपकी लाइफ में ऐसे हालात कभी आए हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है जब आपको लगा कि मेरे पास, मेरा कुछ नहीं हो सकता, या इस सिचुएशन में मैं कैसे निकलूंगी, या क्या इस सिचुएशन का हल कहां से आएगा? आई एम श्योर कि हम सब इन सिचुएशन में से गुजरे हैं। वेव योर हैंड अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन याद है अपनी लाइफ में। कभी ऐसे हालात आपको याद आते हो जिसमें आपने सोचा हो कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ? मुझे याद है पास्टर कामरन पीटर, मुझे एक वक्त याद है कि खुदा में इतने मजबूत है, और उनके साथ एक वक्त ऐसा भी आया था कि वो कहते हैं कि मेरा दरवाजा कोई खटखटाता था तो मेरा दिल घबराता था कि मेरी ऐसी परेशानी थी। यानी कि खुदा के लोगों के साथ भी ऐसे वक्त आ चुके होते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने भी ऐसी सिचुएशन देखी है, ऐसे हालात देखे हैं कि मैं कहता था, रोता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैं तो खुदा का बंदा हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ, मैं तो इतनी दुआ करता हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों? मगर याद रखिएगा, हालात बदल जाते हैं यसु तेरे आने से, और वो वक्त हम पर जो पहला आया होता है वो गुजर ही जाता है, और बुरा वक्त और अच्छा वक्त दोनों ही आता है, मगर दोनों वक्तों में आपने अपने खुदा पर अपने हालात जाहिर करने के, खुदावन मेरे हालात बदल रहे हैं, मेरे हालात बदल रहे हैं, डिक्लेयर करें, कहें मेरे हालात बदल रहे हैं, मेरा हस्बैंड
खुदावन तेरे पास तेरे साथ हम्बलनेस में आ रहा है, मेरी वाइफ खुदावन तेरे हजूर खुदावन हम्बल हो रही है, री बारा सबा छंथो मारिए बा, डिक्लेयर करेंगे अपनी जुबान से कि मेरे हालात वैसे नहीं रहे। सुनील भाई, अगर सुनील भाई हमारे साथ है, सुनील भाई ने एक बहुत जबरदस्त बात की थी, कहते हैं अब आपने कहना है दिस इज द लास्ट टाइम आई एम दिस मच ब्रोकन, कि ये आखिरी बार है कि मैं इतना ब्रोकन हूं, अब मैं आगे से नहीं टूटने वाला। जैसे परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में कहता है मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, वैसे ही आपने कहना है मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, मैं फौजी हूँ खुदा का, हालेलुया री बारा संथा राबा राबा ला साखा राबा। मुझे यहाँ पर लोग नजर नहीं आ रहे, वजह यह है कि लोगों में जोश नजर नहीं आ रहा, मुझे कोई जोश दिखाए ताकि मुझे पता चले आई विश देयर वर पीपल हियर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई जिंदा लोग बैठे हों, जिंदा जैसे जिंदा दिल लोग होते हैं, इंडिया के पाकिस्तान के जिंदा दिल लोग होते हैं, जैसे जश्न आजादी पर झंडे लहराते हैं वैसे यस्सु के लिए हाथ हिलाएं, यस्सु के लिए हाथ हिलाएं, हालेलुया रीबारा संतारा मारीबा, यस प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो हम सब ने एक, आई एम श्योर हम सब ने एक ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में, आई बिलीव इट्स मोर देन वन बट एटलीस्ट वन एक सिचुएशन मैंने आपको कहा है कि याद करें ऐसा वक्त जब आप ऐसे सिचुएशन में थे, व्हेन यू वर ट्रैप्ड, यू फेल्ट लाइक इट इज अ डेड एंड देयर वाज नो वे आउट। एंड मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आई हैं, बट आई वांट टू टेल यू द गुड न्यूज। लेट्स रीड विद सिस्टर शगुफ्ता आइज़ाया 43 वर्स 19। खुदावन के जिंदा कलाम में से यसाया 43 उसका 19 बाब कहता है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ मैं बियाबान में एक राह और सरा में नदियां जारी करूंगा। आमीन। Hallelujah, praise the Lord. And Brother Sunil ने गीत गाया था, thank you Sister Shugupta, God bless you. Brother Sunil ने गीत गाया था, तेरे रूह से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। Praise the Lord, Hallelujah. और हमारा खुदा पहाड़ को मैदान कर देता है, और हमने इस आयत में देखा मैं एक नया काम करने का हूँ, मैं सहरा में एक राह बनाने को हूँ। हमारा खुदा जब आ जाता है, हमारा यीशु जब आ जाता है, तो वो हमारे लिए राह तैयार कर देता है, वो डेड एंड में से भी एक वे बना देता है, वो जहां पर कोई वे नहीं होता वहां से वे तैयार कर देता है, वो सहरा में भी Hallelujah, Hallelujah. I'm sorry, I'm not really good with that. Sahara mein bhi ek raah bana deta hai. Hallelujah. Hallelujah. My partner is moving with the baby, but he is helping. Hallelujah. I'm moving the mountains today. Hallelujah. 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 So Sahara mein bhi ek raah ban jata hai hamare liye jab hamara Yesu, hamara Khuda aa jata hai. And I want to tell you today, church. आज आपकी सिचुएशन भले जितनी भी डिफिकल्ट हो, भले जितनी भी हार्ड हो, आपका यीशु आ जाएगा तो सहरा में भी राह बन जाएगा। भले आपको नहीं समझ आता कि मैं कैसे इस सिचुएशन से निकलूंगी, या भले आपको नहीं समझ आता कि कैसे मेरा वाइफ या मेरी हस्बैंड या मेरे बच्चे या मेरी अपनी हेल्थ चेंज कैसे होगी, भले हमें नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा है इस वक्त, बट राइट नाउ आई वांट टेल यू दैट खुदावंत खुदा आपके लिए वहां से राह बनाएगा जहां से हमें समझ नहीं आती, क्योंकि जमीन और आसमान का बनाने वाला जब आपके फेवर में होता है, जब आपके साइड पे होता है, देन थिंग स्टार्ट्स मूविंग, हालेलुया, और आपकी सिचुएशन विल चेंज, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट दिस इज द सॉल्यूशन ग्राउंड, आवर गॉड कैन डू एवरीथिंग, कुछ भी नामुमकिन नहीं है हमारे खुदा के लिए, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ पॉसिबिलिटीज। थैंक यू
Sister Rajrani, Ruth Rajrani, hallelujah. Because God can change things. God can move mountains. And right now, I want to tell you that think of the same situation. वही situation को दोबारा याद करें और अब आप ये बताएं उस situation को याद करके ये याद करें कि आप कैसे उस situation से बाहर निकली. How did you came out of that situation? Hallelujah. Praise the Lord. I want to share a couple of situations with you जो मेरी life में आए. First of all, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत से लोग, मेरी family वाले, मेरे parents सब सोचते थे कि शायद हमारी बेटी कभी change नहीं होगी. And I have my cousin with me here, Sunaina Alexander. She is my cousin, and I have more, you know, मेरे जो बहुत close cousins थे, वो सोचते थे, my Mumani is here, Mumani Nasreen, and so many people who used to think that ये कैसे change होगी Christina, ये बेटी हमारी कैसे change होगी. और मेरे लिए दुआ करते थे, मेरी मुमानी मेरे लिए दुआ करती थी, मेरी माँ मेरे लिए रोजे रख के दुआ करती थी. और they used to think that well, how will she change or whether we will change or not. And today I deal with a lot of young ladke aur ladkiyon ke, mostly ladkiyon ke sath deal karti hu. Aur bahut dafa parents jo hain wo sochte hain ki meri beti bas tabdeel ho jaye, isse zyada mujhe kya chahiye. You know, मेरे बच्चे तब्दील हो जाए, मेरे बच्चे खुदावन में आ जाए, या मेरे बच्चों की लाइफ जो है वो खुदावन में आ जाए. That's what they pray for. And I know that Sister Astra Bhatti always says, pray for my sons. Or that's the best thing you can do actually. Ask your prayer partners, ask your prayer team to pray for you, because हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से और दुआ से, through prayer. So if when you pray, things change and mountains move and people change. Because जब मेरी जिंदगी तब्दील हुई, तो आई रिमेम्बर दैट पास्टर हरून वंस सेड टू वन ऑफ माय कजन्स, और उन्होंने मेरी कजन से कहा कि आप क्रिस्टीना से दुआ करवाएं, बिकॉज आई वाज चेंज. एंड शी सेड, कौन क्रिस्टीना? क्रिस्टीना वो जो पार्टीज के लिए नोन थी. और पास्टर हरून कहते हैं, नो, शी इज नॉट लाइक दैट एनीमोर, अब वो खुदावन में है, आप उसे दुआ कराएं, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, आप अपनी इस प्रॉब्लम से नजात पा जाएंगी. एंड शी वॉज शॉक, शी कुडंट बिलीव इट के वाकई क्रिस्टीना ऐसे इतनी चेंज हो गई है. So that's what I want to tell you, that jab bhi aapko aisa lagta hai ki ye situation namumkin hai ya ye person change nahi ho sakta, hamara khuda moazzat kar deta hai, hamara khuda logo ko tabdeel kar deta hai. Aur wo log, and now jab mujhe meri family dekhti hai, mere parents dekhte hain, mere, you know, family, siblings, cousins sab dekhte hain, wo yakeen nahi karte that this is the same Christina. And this will be your situation if today people think that you can't change. Then prove them wrong by giving yourself to the Most High God, and the God who is the creator of heaven and earth. He will change your situation. He will change your children. He will change your husband. He will change your wife. He will change this out of, take it out of your life in the powerful name of Jesus. Amen. Hallelujah. And so this is one testimony that, you know, how God changed me, how God, you know, made me into a true believer and into, you know, a woman of God. Hallelujah. And God can do it for anybody. A lot of the times हमने witness किया है कि लोग, you know, cancer, मैंने cancer की बीमारी को heal होते हुए देखा है. And I have a very, you know, blessed, my Mumani is here, Nasreen. उनकी ऐसी situation थी कि खुदा ने उनको heal किया. Family, you know, generation में ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो कहते हैं कि वो आप में आएंगी, लेकिन we have the power to cancel them in the name of Jesus. We have the power to heal people. Because जिस तरीके से खुदावन यीशु मसीह हील करते थे, आज भी खुदावन खुदा ने हमें वो इख्तियार दिया है कि यीशु के नाम में जब आप दुआ करेंगे तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी और तकलीफें खत्म हो जाएंगी. हालेलुया. सो आई हैव सीन, यू नो, सो मेनी ऐसी बीमारियां जो हमें लगता था कि शायद कभी किसी की हील नहीं होंगी, लेकिन हमारे खुदा ने तब्दील की. मैं आपके साथ एक और टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ, दैट व्हेन आवर डॉटर वाज बोर्न एल्सा, शी वाज वेरी वेरी सिक, वो बहुत बीमार हो गई थी. एंड द डॉक्टर्स वर स्ट्रेट अवे व्हेन शी वाज बोर्न, एंड द डॉक्टर्स थॉट के ये, आई मीन द डॉक्टर वाज हैड टियर्स इन हर आईज, एंड शी, द डॉक्टर थॉट दैट, यू नो, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से टू यू, आई एम रियली सॉरी, आई वांट टू हेल्प दिस चाइल्ड, बट आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या करूँ, वी हैव लॉस्ट काइंड ऑफ होप. एंड शी वाज ऑन 100% आर्टिफिशियल ऑक्सीजन. बट हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से. हम घुटनों के बल जाकर रोहन और मैं दुआ करते थे,
थे, बाइबल पढ़ते थे, एंड वी यूज्ड टू प्रे एंड वी यूज्ड टू से खुदावंद खुदा दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम यू, व्हाटएवर यू हैव गिवन मी यू आर नॉट गोना टेक इट बैक, एंड ग्लोरी टू गॉड, गॉड गेव हर लाइफ. आज वो गीत गाती है, गैर जुबान में प्रस्तुत करती है, मूव अराउंड करती है, एंजॉय करती है लाइफ को, बिकॉज लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. And if God gives you something, no Satan, no enemy can steal it. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, glory to God. Khudavand ke naam ko jalal mile. How our God changes situation. Kis tarike se Khudavand halaat ko badal dete hai. Situations ko tabdeel kar deta hai. So, yes. Aur isi tarike se halaat badal jayenge aur Eden badi ho jayegi. Aur hum dekhenge ki Eden worship kar rahi hogi aap log ke beech mein. Kalam suna rahi hogi. Zarur. और जिस चीज के छोटे बच्चे हैं दोनों वाली हालात बदल जाएंगे. हालेलुया. और मैं इसके साथ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक बाइबल में एक आदमी था, उसके हालात बदल गए थे. अब लोगों के लिए हालात बदलने का मतलब ये है कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो अच्छे हालात हो जाएंगे. मैं आपको बाइबल से एक जबरदस्त स्टोरी बताने जा रहा हूँ और वो है जकाई की स्टोरी. जकाई अमीर आदमी था, चीफ टैक्स कलेक्टर था. कौन कौन जानता है जकाई के बारे में? बाइबल में किस कितना जकाई के बारे में सुना है? जिसने नहीं सुना हो उसने पूरी बाइबल दोबारा पढ़नी है. हाँ जी. अच्छा, जकाई के बारे में ये था कि जकाई जो था वो अमीर आदमी था, बहुत दौलतमंद था, टैक्स कलेक्टरों का बाप था वो. लोग उसको गुंडा मानते थे, गुंडा, क्योंकि इतना पैसा लोगों का हड़पता था वो. और होता है क्या है कि जकाई जो है वो कहता है कि आज तो बस मैंने यस्सु को मिलना है तो मुझे मेरे हालात बदल जाएंगे. और होता क्या है, मसीह यस्सु को मिलने के लिए वो दौड़ता है देखने के लिए. छोटे कद का था तो देख नहीं पा रहा होता है क्योंकि यस्सु मसीह एक सेलिब्रिटी थे, उनके आगे पीछे भीड़ होती थी, इतने बड़े सेलिब्रिटी कि मसीह यस्सु के हर वक्त आगे पीछे लोग होते थे. और मसीह यीशु को देखने के लिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है. इतनी कोशिश करता है, वो पेड़ बहुत ऊंचा होता है, वो फिर भी कहता है आज जब मैं थोड़ी सी पंजाबी बोल लूं, मैं क्योंकि पंजाबी मेरी तरह थोड़ी सी वीक है तो मैं पंजाबी बोल लूं साथ में आपके लिए कि ओ जदों यीशु नु वेखना सी उन्हें क्या मेरे हालात बदलने अज. आज इतना वो डेस्परेट हो जाता है, इतना डेस्परेट हो जाता है यीशु के लिए कि कहता है मैं कुछ भी करके आज मैं यीशु नु देखना है, आज मैं यीशु नु मिलना है. कौन कौन यीशु नु मिलना चाहता है? हाथ ला के दसो. Who wants to meet Jesus? Who wants to see him? If you want to see Jesus, अगर आपने यीशु को देखना है यानी कि अपने हालात को बदलना है तो अपने हालात को चीर फाड़ दें, बाहर निकल जाए उससे. डिक्लेयर करें ए परेशानी तेरी हैसियत नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो. आई एम द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. मैं खुदा की सब तो अजीज बेटियां, मैं खुदा दा सब तो अजीज बेटा, मैं सब तो फेवरेट हूं खुदा दा. आई एम द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड ऑफ माय मोस्ट हाई गॉड एंड माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स According to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. हालात बदलने के लिए आपको step out करना पड़ता है. Step out, stretch out. अगर आप किसी, मैं एक evangelist हूँ, मुबशर हूँ, मुझे अक्सर फोन आते हैं, हमारी ये परेशानी है, आपकी परेशानी जो है, मैं फिर उनको कहता हूँ कि इस glory prayer ministry हमारा एक group है, उसमें आप इस दिन इबादत होती है, आप ज्वाइन कीजिएगा. उसमें से कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस साढ़े वास्ते दुआ कर दो बस. आई एम सॉरी, मैं आपको अपने फोन पर 4 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि मैंने फोन पे कुछ भी नहीं कर सकना है. मैंने दुआ कर देनी, ठीक है, उसके बाद आपने ठंडे हो जाना है, फिर आपने अपनी परेशानियों में घेरे में आ जाना है. यहाँ पर इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये आपके लिए दुआ कर रहे हैं. They are your team, building. खुदा ने आपके लिए बिल्डिंग खड़ी की है. आप एक घर मांग रहे हो, खुदा बिल्डिंग खड़ी कर रहा है आपके लिए. खुदा आपको आपकी औकात से, आपकी उम्मीद से बड़ा देना जानता है. जितना आपने खुदा के लिए दिया नहीं उससे बड़ा खुदा देना जानता है.
आपके हालात खुदा बदलेगा तब ही जब आप कुछ करेंगे। अगर एक आदमी अपने बच्चों के लिए रोटी चाहिए तो जब तक वो उसके लिए जद्दोजहद नहीं करेगा रोटी कहां से आएगी। जब तक इंसान अपने हालात बदलना नहीं चाहेगा नहीं बदल सकता। इसकी एक मिसाल मैं दूंगा। एक आदमी था, कहता मुझे जॉब चाहिए, पर वो सो के उठता है 4 बजे शाम को, उसके बाद वो नाश्ता करता है 5 बजे, उसके बाद 6 बजे वो जाता है अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक वो बस बाहर घूमता है, लोगों को बोलता है जॉब चाहिए जॉब चाहिए, मगर वो जॉब अप्लाई नहीं करता तो जॉब नहीं मिल सकती है। वैसे ही जब तक हम खुदा के सामने अप्लाई नहीं करते, अगर वो बंदा जकाई अगर उस वक्त नहीं नहीं चाहता तो नहीं मिल सकता था यीशु को। इतना यीशु घेरा हुआ था लोगों में। जकाई ने अपने आप को स्टेप आउट किया और अपने आप को उसने खुदा के लिए अवेलेबल किया, उसने यीशु के लिए अपने आप को अवेलेबल किया क्योंकि उसने अपने हालात को बदलना चाहा था। इसी तरीके से जब हमारे सिचुएशन, जब हम ये दिसंबर के महीने में पाकिस्तान गए थे, मैं क्रिस्टीना और बच्चे, और हम लोग पाकिस्तान में मेरे भाई की शादी के लिए गए थे, छोटे भाई की, और शादी के लिए हम गए थे और हम लोगों ने वहां पर काफी खर्चा किया, बहुत ज्यादा खर्चा किया। दुबई भी गए, वापिस आए तो कुछ परेशानियां आ गई, पैसे की भी शॉर्टेज हो गई, कुछ कारोबार में भी किसी ने कुछ पीछे से कुछ गलतियां हमारे खिलाफ कर दी थी, जिसकी वजह से हमारे हालात बहुत खराब हो गए थे। बिजनेस मैं बहुत ज्यादा नीचे चला गया था और बहुत मुसीबत उठा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान 1 महीने के लिए गए थे हम लोग, जिसकी वजह से काफी मुश्किल थी। और मैंने पास्टर कामरान पीटर को, भाई सुनील को, बहन साइमा भाई की, भाई सुनील की वाइफ केजिया, भाभी शिगुप्ता, पास्टर हारून, भाई सनी, मैं इनको फोन लाता था बार बार, भाई चलें आ जाए जरा व्हाट्सएप पे कॉल में लाएं और हम लोग दुआ करेंगे, कि मेरे को दीवारें नजर आती हैं। मैं कहता था मेरे को भाई सुनील हाथ हिला के बताएं क्या मैं सही कह रहा हूँ, भाई पास्टर कामरान पीटर समझ से भाभी शगुफ्ता जी ये गवाह हैं ये जहाँ बैठे हैं। मैं कहता था भाई पास्टर कामरान पीटर, मैं रोता था, परेशान होता था, कहता था कि हाय आए मैं दीवारें देख रहा हूँ, दीवारें गिरा दें, हालात बहुत खराब चल रहे हैं, मुसीबत में हूँ। ये सब कोई ना कोई प्रॉब्लम से उस वक्त गुजर रहे थे और खुदावंद ने हमें वो मौका दिया कि हम व्हाट्सएप पे ये फैमिलियां जमा होती थी, दुआ रोज करते थे, हम रोज दुआएं करते थे। तब आप में से कोई भी नहीं था हमारे साथ कनेक्टेड, ये 4 फैमिलियां थी कनेक्ट, और व्हाट्सएप पे ऐसे हालात थे। ये बार बार ये गवाही इसलिए देने की जरूरत है क्योंकि बहुत से नए लोग भी हैं यहाँ पर, चाहता हूँ कि सुने इस बात को, जाने। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपने तंग आ जाते हैं दुआ करके, कहते हैं अभी मैंने दुआ नहीं करनी है, कहते हैं खुदा कुछ करता ही नहीं। हम लोगों ने महीनों महीने दुआएं की हैं, हम लोगों ने जमा होकर दुआएं की हैं, हमारे रातों को जाग जाग के दुआएं की हैं, और खुदा ने इतना जबरदस्त मौका दिया। मैं कहता हूं कोरोना आया ही हमारी वजह से है, ये भाई सुनील की गलती की वजह से कोरोना आया, पास्टर कामरान की गलती की वजह से आया, भाभी शगुफ्ता की गलती की वजह से आया, मेरी गलती की वजह से कोरोना आया, क्योंकि हम वो गलती कर रहे थे जो गलती करनी चाहिए थी। हम दुआ कर रहे थे, हमने दुआओं से अपने हालात बदले, हमारे हालात बदल गए, हम सब ने दीवारों को बॉक्स कर दिया, हमने मारा दीवारों को जोर जोर से, हमारे हालात अच्छे हो गए, हमने इस हालात को, अच्छे हालात को देखना शुरू किया। आज आप हमारे साथ खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, पास्टर कामरान को दुआ की जरूरत नहीं है, नहीं, हमें दुआ की जरूरत है, क्योंकि हमने फ्रंट लाइन पे फौजी की तरह लड़ना होता है। आप हमारे साथ खड़े हैं तो हम और मजबूत हैं, और हम आपके साथ आपके हालात बदलने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। मेरा दिल कर रहा है एक बार एक्सरसाइज करा दूं, यस सर वाली। हालेलुया। पास्टर कामरान इशारा देंगे फिर कराएंगे। हालेलुया। ये सबा संतारा बारा बिया। हालेलुया। तो आप में से आई थिंक बहुत से लोग नए हैं, तो पास्टर कामरान छोटी सी एक्सरसाइज हो जाए ताकि लोग चार्ज हो जाए। हालेलुया।
तो कलाम में लिखा हुआ कौन कौन मुझे बताएगा? कलाम में लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा था गो टू द नेशंस, उर्दू में भाभी गुप्ता हेल्प करें कि क्या लिखा हुआ है, कि गो टू द नेशंस एंड प्रीच द गॉस्पल इन द नेम ऑफ द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट बैप्टाइज देम। तो जब मैं ये कहूंगा गो टू द नेशंस प्रीच द गॉस्पल और कंट्रियों के नाम लूंगा तो आपने कहना है यस सर किसको? यीशु मसीह को। क्या आप तैयार हैं इस वर्दिश के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए? आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड की हुई एक्सरसाइज, हालेलुया, चलें हम मिलके करेंगे। उर्दू में प्लीज भाभी शुगुप्ता हमारे लिए ये अनम्यूट करके पढ़े जरा ये आयत के। She can say it. आपको पता है सिस्टर गुप्ता, आप जस्ट जनरली बोल दें उर्दू में। हालेलुया, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, कलाम की खुशखबरी सुनाओ। ठीक है, जाओ कामों को खुशखबरी सुनाओ, कलाम की खुशखबरी सुनाओ, एंड गो टू पाकिस्तान। यस सर, अगर अनम्यूट करके कर दें तो मजा आ जाएगा। हालेलुया, सारे अनम्यूट करके गो टू द नेशन, गो टू इंडिया और कलाम। Yes, sir. आपका माइक म्यूट है रोहन भाई, माइक म्यूट है, आपका आवाज नहीं आ रही। थैंक यू सो मच सिस्टर एस्थर, गो टू पाकिस्तान। यस सर, गो टू अमृतसर। हालेलुया, यस सर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, यीशु के नाम से। गो आउट टू द होल नेशन, हमने दुनिया में जाकर एंड प्रीच द गुड न्यूज़, मसीह यीशु के सारे ये जो पैगाम है यीशु ने, जो ये खुशखबरी यीशु की है, यीशु बता रहा है सिचुएशन, हालात, आपके हालात बदलने लगे हैं, आपके हालात बेहतर होने लगे हैं, अच्छे होने लगे हैं, क्योंकि आप राइट ग्राउंड पे सही जमीन पर आ चुके हैं और आप अपनी जंग जीतने वाले हैं। यस सर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं फॉर सच फेथफुल यू नो पीपल ऑफ गॉड, सच फॉर सच अ गुड चर्च, हालेलुया। तो हम खुदावंत के नाम को जलाल देते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे that you know we get in a dead end situation, और मैंने आपसे कहा था कि ऐसी situation को याद करें आपकी life में कि ऐसी कौन सी situation थी, and then after a little while I said अब याद करें और सोचें कि किस तरीके से आप उस situation से बाहर निकले थे। So I want to tell you that situation changes through prayers, and now we're going to read Luke 18 verse 1-8. मेरे साथ सब निकाले, लूका 18 उसका पहले से आठवीं आयत। हालेलुया, द वर्ड ऑफ गॉड सेज ऑलवेज प्रे एंड डू नॉट लूज हार्ट। जिस तरीके से रोहन हमें बता रहे थे कि हम दुआएं करते थे, हमने रातों को जाग जाग कर, आई रिमेम्बर जब हम इन द बिगिनिंग व्हेन वी यू नो मेट पास्टर कामरान, वो हमारे साथ रात रात भर यू नो, एंड वी वर सो हंग्री एंड वी वर सो क्रेजी फॉर द लॉर्ड। हम रातों को जाग जाग कर पास्टर कामरान हमें सिखाते थे, हमें बताते थे। हमारी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी, वी डिडंट ऑलवेज यू नो वी कुडंट इवन प्रीच टू बी रियली ऑनेस्ट, बट गॉड ब्लेस्ड अस through prayers. Now we're going to read this और with Urdu mein isko kehte hain aur hamesha dua kar aur dil bardashta na ho. Bole sare aur hamesha dua kar aur dil bardashta na ho. Aur hamesha dua kar aur dil bardashta na ho. Always pray and do not lose heart. बिकॉज अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दुआएं कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि मैं तो इतनी दुआएं कर रहा हूँ, why are my prayers are not being answered? बहुत से लोग हमेशा हमें जब हमें you know when we meet people and they ask us, they always say that मैं इतनी दुआएं अपनी situation के लिए कर रहा हूँ लेकिन मेरे हालात तब्दील नहीं हो रहे, मेरी situation change नहीं हो रही, they start to lose heart. And जैसे रोहन बता रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि अब मैंने दुआ ही नहीं करनी because मेरे हालात ही नहीं तब्दील हो रहे, why should I pray? वो खुदा से ही नाराज हो जाते हैं, और वो जब के आपका सोल्यूशन एक्चुअली आना ही वहां से है,
खुदावंद खुदा से है. सो आई थिंक यू मेक द वर्स्ट मिस्टेक बाय गेटिंग अपसेट विद द लॉर्ड बिकॉज योर द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस ऑलवेज प्रे एंड डू नॉट लूज हार्ट. वी आर मेंट टू बी प्रेइंग ऑल द टाइम नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू आर. कोई फर्क नहीं पड़ता आपके क्या हालात हैं, हमारा खुदा उन हालातों में से आपको निकाल देगा जिस तरीके से उसने हमें निकाला हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस से, और आप सबको उन हालातों से निकाला जो आपको इम्पॉसिबल लगती थी. एंड अगर आज भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जो इम्पॉसिबल है, खुदावंद खुदा आपको उनको में से भी निकालने की कुदरत रखता है, एंड ही विल. राइट नाउ वी आर गोइंग टू रीड विद सिस्टर शगुफ्ता लूक चैप्टर 18 वर्स 1-8. फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए इनसे ये तमसील कही के किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और इसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर करके मुझे मदई से बचा. उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता हूँ ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा. ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे. खुदावन ने कहा सुनो ये बे इंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा. मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा. तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा. आमीन. Ameen. Hallelujah. Thank you so much, Sister Shagufta. God bless you. What a beautiful parable. Kitna beautiful parable yahan par humne padha hai. And in this parable, we see a gareeb widow aurat hoti hai. And she is seeking justice from the unjust judge. Sister Shagufta. Na insaaf. ठीक है, वो ना इंसाफ जज होता है और उसके पास वो जाती रहती है. इतनी मतलब वो जस्ट इमेजिन कि एक अनजस्ट, और बाइबल जब मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश में लिखा हुआ है ही डिडंट फेयर गॉड, ना वो खुदा से डरता था और ना ही उसको आदमियों का डर था, और उसके बारे में लिखा है ही वाज अ अनजस्ट जज. लेकिन क्योंकि वो जो विडो थी, वो जो बेवा थी, वो प्रसिस्टेंटली उसके पास जाती है. एंड शी केप्ट गोइंग, और वो तंग आकर कहता है ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही. वो इतना तंग आ जाता, कहता है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मैं इसका इंसाफ कर ही दूं. तो वो उसको जस्ट बिकॉज ऑफ हर परसिस्टेंस वो उसका इंसाफ उसका करता है. सो आगे कहता है कि योर गॉड हु यू क्राई डे एंड नाइट आउट टू, जो हम उसकी क्रिएशन है, क्या वो हमारे लिए जस्ट नहीं करेगा, क्या वो हमें फेवर नहीं देगा. सो माई चर्च, माई पीपल, आई वॉन्ट टेल यू डोंट लूज हार्ट. आपकी भले प्रेयर्स आंसर आ रही है या नहीं आनी, हमने यहाँ पर देखा दैट माई वी नीड टू क्राई आउट टू गॉड डे एंड नाइट. दिन और रात हमने दुआएं करनी है. क्या हमारी लाइफ ऐसी है, क्या हम दिन और रात दुआएं कर रहे हैं, क्या हम या हमारी लाइफ ऐसी है कि हम दुआ ही नहीं करते. हम कहते हैं कि किसी और से कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमारी सिचुएशन में मैं फंसी हुई हूँ मेरे लिए दुआ करें. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो बेवा औरत थी वो अनजस्ट बे इंसाफ जज के पास जाती है और वो भी तंग आकर उसका इंसाफ कर देता है. तो यहाँ पे खुदा कहता है कि मैं तो तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तो तुम्हारे बनाने वाला हूँ. ही इज आर क्रिएटर, उसने हमें क्रिएट किया है. जब हम उससे मांगेंगे तो क्या वो आपको आपकी दुआओं का जवाब नहीं देगा. ऑफ कोर्स ही विल, एंड ही हैज इन द पास्ट एंड इवन टुडे ही विल. He is ready to bless you. He is ready to answer your prayers. But it is the time hum apni lives ko dekhein ki kya meri duaiya life kaisi hai. Kya main dua karti bhi hoon ya nahi karti. Kya main Bible padhta bhi hoon ya nahi padhta. This is the time to think about it. Because and God
shall not avenge his own elect who cry day and night to him. Pray, pray ko aap aise apni life ka ek lifestyle bana le. Pray day and night without ceasing, without any breaks. जो आपको टाइम मिलता है जब आप घर में काम भी कर रहे हैं, यू नो लेडीज वी आर बिजी इन द हाउस, वी आर लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, गैर जुबान में दुआ करें. प्रे एज मच एज यू कैन, बिकॉज प्रेयर कैन ब्रेक दोज माउंटेन्स, प्रेयर्स कैन चेंज योर सिचुएशन. प्रेयर से वो जो दीवारें हमारी, माउंटेन्स हमारी जिंदगी में खड़ी हो जाती है, वो तब्दील हो जाती है. आमीन. प्रेयर इज द की. मैंने आज बहुत वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर आई सॉ इन वन ऑफ द ग्रुप्स एंड आई थिंक सिस्टर एस्टर वॉयलेट पोस्टेड इन वन ऑफ द ग्रुप्स, और उसमें लिखा हुआ था प्रेयर शुड बी द की इन द मॉर्निंग एंड द लॉक एट नाइट. कैन यू ट्रांसलेट दैट? तो जो चाबी है, जो सॉरी दुआ, जो दुआ है वो सुबह के टाइम की चाबी है और रात के टाइम पे ताला है. हालेलुया. आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपको पता होगा कि आपके घर में चोर आ जाएगा, a thief is going to break into your house, wouldn't you check the door all the time? teen char char dafa aap darwaza ja kar check karenge kahin chor to nahi aa gaya, kahin chor to nahi aa gaya. to kya aapko nahi lagta ki chor, kalam mein likha hua hai, say is devil comes to kill, to steal and destroy. jo chor chori karne aa raha hai aapki blessings ko, aapke bachcho ko, aapke you know situations ko, wo itna complicated banayi hui hai. aapke life mein se finances khat chori ho jate hain, aapko samajh nahi aata ki paise aate hain jate hain kahan jate hain, you don't understand. that's because aap apne doors ko lock nahi kar rahe. prayer is the key in the morning and lock at night. ye chabi ko aap please operate kare. make sure ki jab aapke ghar mein aapko pata hota hai chor ne aa jana hai to 10 dafa darwaze check karte hain, to ye prayer bhi wahi chabi hai. bar bar check kare kya mere dua ki, did I close those doors for satan? because hum aisa access shaitan ke liye khol dete hain hamari zindagi mein ki shaitan hamari life mein aakar hamari blessings ko, barkaton ko churata jata hai, aapke bachchon ko addictions mein laga deta hai, ya aapke husband and wife ke relationships mein itni complications hoti hain. that's because we are not checking the doors, that's because we are not praying hard enough to close those doors on the enemy, on the satan. और चोर भले जो भी चुरा के ले जाए, you know Satan has stolen so many blessings from us in the past and in you know so much has been taken away from us, but I want to tell you a good news, and the good news is in Psalm 63:31 it says whatever has been stolen will be restored back to you. हालेलुया. आपकी लाइफ से जो कुछ भी चोरी हुआ है वो यीशु के नाम में रिस्टोर हो जाता है, सात गुना वापस मिलता है. क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट मेरी लाइफ में से कुछ चोरी हो गया था, एंड माय वेरी नाइस सिस्टर, आई कैन सी सिस्टर सना जो यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड है, और मेरे बहुत ब्लेस्ड पास्टर कामरान, पास्टर हरून, सिस्टर शिगुप्ता, ब्रदर सुनील, दे ऑल नो कि मेरे घर से मेरी वेडिंग रिंग चोरी हो गई थी. सबको याद है कि क्या शादी की अंगूठी घर से चोरी हो गई थी. हालेलुया. चोरी हुई थी, चोरी हो गई थी. मेरे घर में जो काम करने आती थी, देयर वाज अ पोलिश लेडी हु वाज कमिंग. Also keep it low please. I'm sorry about that. So mere paas kaam karne ek lady aati thi aur usne mere ghar se meri wedding ring utha li. Aur kya hua ki wedding ring utha li, and after I think almost the second day I looked, kyunki main jab university jaati thi to I would always look for my wedding ring to put it on. Us din main jaldi mein thi, mujhe wedding ring nahi mili, main aise hi chali gayi. And I kept praying. I was like, Father God, I always put my ring there. Where is my ring? And मुझे पाकरू ने बताया कि मेरी ring चोरी हो गई है. जबकि I had no idea. ना मेरे कोई cameras थे, ना कुछ था. I had no idea कि मेरी ring चोरी हो गई है. And the next thing I do is I phone my sister Sana. मेरे neighbor में Sana रहती थी और मैं Sana को phone करती हूँ. Sana, मुझे फील हो रहा है कि मेरी रिंग चोरी हो गई है. एंड यू नो वो जो पोलिश लड़की मैंने काम पे रखी थी, उसने मुझे फील होता है कि मेरी रिंग उठाई है. आई हैड नो आइडिया कि उसने उठाई भी है या नहीं उठाई, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आप पे रिवील कर देता है. सो जो सीक्रेट बातें होती हैं खुदा आप पे रिवील करता है, और मुझे खुदा ने रिवील किया कि तुम्हारी रिंग जो वहां पर नहीं पड़ी थी वो चोरी हो चुकी है, और वो रिंग उसने उठाई है जो तुम्हारे घर काम करने आती है. Because Sana knew that person through जिसके person के through वो मेरे पास काम पे आई थी, तो मैंने Sana को phone किया. and you know my God is so good,
कभी आपने सुना है कि चोरी हुई चीजें वापस मिल जाए? मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी रिंग मुझे वापस मिल गई थी। हालेलुया। जब हम गए सना ने द फर्स्ट थिंग व्हेन आई फोन सना, इवन सना हैड नो आइडिया, बट यू नो दैट सना एंड हर हस्बैंड दे हैव अ बिजनेस, उनका गोल्ड की शॉप है। और कैन यू बिलीव इट कि वो मेरी रिंग बेचने सना के हस्बैंड की शॉप पे गई थी। And Sana ke husband ko, I don't know how, obviously because Indian gold is a bit different than English gold. So Sana ke husband ne ko doubt hua ke ye mujhe kuch dodgy lag raha hai. Usne wo ring nahi khareedi us lady se, aur usne lekin camera se pictures khinch li us lady ki ke wo jab ring bechne aayi thi. And Sana, even though she had no idea, but that's what I'm trying to tell you, that what our God can do for you, He can change your situation. Sana had no idea ki wo ring meri ho sakti hai, but Sana said to me, Christina, mujhe aise lagta hai ki wo aapki ring bechne bhi aayi thi mere husband ki shop pe. Maine kaha, really? I mean, I've only just found out that my ring is stolen, and Sana already knows that ki wo bechne bhi aayi thi. And maine kaha, she goes, okay, let me ask my husband and I'll call you back. Sana ne find out kiya apne husband se. उसकी सना के हस्बैंड ने उसको पिक्चर्स भेजी उस औरत की, वो रिंग की। मैंने कहा, सना, दिस इज माय रिंग। हालेलुया। एंड मी एंड माय सिस्टर सना, वी वेंट टू दैट लेडीज हाउस, जिस लेडी ने हमें वो काम पे उसने रखवाया हुआ था, उसके साथ थ्री ऑफ अस वुमेन, 9 o'clock एट नाइट हम उसके घर गए और हमने उसे कहा कि मेरी रिंग किधर है, एंड वी नो दैट यू हैव गॉट इट एंड ऑल दैट। एंड शी सेड, मैंने वो रिंग बेच दी है। अब आप मुझे बताएं, एक तो चोरी हुई हुई रिंग, फिर आगे से बिक गई हुई रिंग, कभी आपने सुना कि वापस आ जाए? नो, मैंने नहीं कभी देखा। मैंने देखा है ऑफ कोर्स, बट मैंने पहले इस सिचुएशन से पहले कभी नहीं देखा था कि ऐसा होता है। लेकिन हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करने में कादिर है। एंड प्रेज द लॉर्ड के शी टोल्ड अस कि उसने किस शॉप पे वो रिंग बेची है। द नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू दैट शॉप, हमें वो रिंग वापस मिल गई। हमारे बीच में बहन परवीन भी बैठी हुई है और ये मुझे अक्सर फोन भी करती हैं, और प्रेज द लॉर्ड, और ये अपनी प्रॉब्लम हमेशा बताती हैं और ग्रुप पे भी बताती हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि आप अब अपनी परेशानी हमें नहीं बताने की जरूरत है कि आपके घर में बहू गई हुई है कहीं घर से नाराज होके, या आपका बच्चा, आपको बेटा भी आपसे रूखा उरखा सा है। मैंने कहा आपने बताने की जरूरत नहीं है, अब आपके वक्त बदलने वाले हैं क्योंकि आप सही जगह पे आ चुके हैं। तो जरूरी है, हमने उस वक्त ये अंगूठी ऐसे ही नहीं पाली थी, हमारे साथ खुदा का फेवर था और खुदा के लोग थे, खुदा के लोगों ने मिलकर दुआ भी की थी, पास्टर हारून एंजल, पास्टर कामरान पीटर और फैमिली, ये सब मिलकर, भाई सुनील एंड फैमिली, हम लोगों ने मिलकर उस अंगूठी के लिए दुआ की थी। तो बहुत जरूरी है अपने हालात को देख लें, बदलने वाले हैं। बोले हाँ, मेरे हालात बदल रहे हैं, कहें कहीं मेरे हालात बदल रहे हैं, मेरा वक्त बदल रहा है, जो मेरा चुराया गया था वो मुझे 7 गुना वापस मिल रहा है, जो मेरा चुराया गया था वो मुझे 7 गुना वापस मिल रहा है। बोले डिक्लेयर एंड डिक्री, कहें मेरी दौलत मुझे वापस मिल रही है, आप बोले मेरे पास सबसे ज्यादा बरकत है, मेरे पास सबसे ज्यादा, बोले मैं दुनिया का सबसे ज्यादा अजीज हूँ खुदा को, मैं सबसे ज्यादा अजीज हूँ मेरे खुदा, क्योंकि जब आप अपने मुंह से डिक्लेयर कर रहे हैं वो हो रहा है आपकी जिंदगी में, वक्त बदल रहा है। किसी किसी के लिए ये मजाक है, किसी के लिए ये बस एक मामूली सी बात है, वो रोज वो कहते हैं कि ये दुआओं से वो कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा। याद रखिएगा, आपके लिए खुदा तैयार कर रहा है हालात, आपके लिए अच्छे ग्राउंड तैयार कर रहा है। आपने खुदा को इतना नहीं दिया जितना खुदा आपको देना चाहता है। आपने खुदा से एक प्लॉट मांगा था, खुदा आपको बंगला दे रहा है, क्योंकि आप खुदा से जो दिल से मांगोगे वो आपको मिलेगा। आपके हालात बदल रहे हैं, आप बोले अपने आप से कि मेरे हालात बदल रहे हैं, मेरे पास मेरी बरकतें बढ़ रही हैं, मेरे लिए खुदा बहुत कुछ दे रहा है। आप कहें कि जो मेरे कर्जे थे वो उतर रहे हैं, आप कहें मेरे सारी लानते जो मेरे खिलाफ लानते काम करी वो टूट रही है, सारी बंधन टूट रहे हैं। कहें कि आज मैंने आज ग्लोरी प्रे मिनिस्ट्री ऐसे ज्वाइन नहीं किया है, खुदावंद ने मेरे लिए हालात पैदा कर दिए कि मैं खुदावंद इस ग्लोरी प्रेम मिनिस्ट्री के अंदर से खुदावंद तेरी प्रस्तुति कर सकूं। हालेलुया, खुदावंद यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दिस इज द वर्ड फॉर यू टुडे, दैट गॉड, जो भी आपका शैतान ने चुराया है,
through prayers, God is able to restore everything for you. And आज आपके लिए हम restoration के लिए दुआ करेंगे कि जो भी आपका शैतान ने चुराया है, in the name of Jesus, sevenfolds आपको वापस मिले. Because whenever you know you pray, you are breaking those chains and you are kicking that devil out of your situation, out of your life. And whatever, whether it is your relationship, या आपका पैसा है, या आपके बच्चे हैं, जो भी शैतान ने चुराया है, चाहे आपकी you know broken marriage है, खुदावंत खुदा आज आपके लिए restore करने के लिए ready है. Yes, so can praise the Lord. And just before we pray, I want to share another testimony that my brother Pastor Cameron will remember this, that we had a very big investment of 15,000 in something. और शैतान ने हमारा चुरा लिया था, लेकिन हमारे साथ खुदा के खादिम थे जो हमारे लिए दुआ कर रहे थे, एंड 15,000 ऑल ऑफ अ सडन हमारा चोरी हो गया, एंड वी वर रियली रियली अपसेट. इज दैट राइट रोहन? 15,000 रुपीस नहीं, पाउंड्स. पाउंड्स, यस. सो हमारा 15,000 पाउंड्स चोरी हो गया था, शैतान ने चुरा लिया था, एंड आई वाज सो अपसेट, एंड आई केम टू माय ब्रदर पास्टर कैमरन, एंड आई सेड पास्टर कैमरन, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बस, मैं मुझे नहीं पता मैं कैसे ड्राइव करके आई हूँ, यू जस्ट नीड टू प्रे विद मी. एंड ही सेड आपके, वी आर गोना प्रे एंड सैतान विल हैव टू पे बैक, इट इज गोना कम बैक, एंड इन द नेम ऑफ जीसस आर वी रेस्टोर्ड दैट 15 का हमें 35 रेस्टोर किया हमारे खुदा ने. आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन. So our God can do anything for, if my God can do anything for me, my God can do anything for you. And today is a day for restoration. Does not matter what you have lost, whether it is a child, whether it is a family member, whether it is you yourself. Today, my God can restore anything and everything for you. If you believe it, wave your hands and shout hallelujah, because we are about to pray for you. Hallelujah. 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 Agar aapki koi prayer request hai, please do write it down as well, because we're going to pray for you. Rimana, this is the time to claim it back. This is the time to go into the territory and take it all back, because our God is on our side. And the word of God says, when I am with you, who can be against you? And every power that is working against you in the powerful name of Jesus right now will have to bow down in front of the name of Jesus. Hallelujah. 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 We're going to pray with the man of God, Rohan, and he's going to pray for your prayer request right now. Let's all pray for restoration. Hallelujah. 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 Hallelujah.